वेरी गुड मॉर्निंग डियर इंग्लिश फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। थोड़े से लंबे समय के बाद हम लोग मिल पा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे कि बीच में कई वीडियो अपलोड नहीं हो पाए। हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर एक एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाइए, क्योंकि बेल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जमानत, जो अगर आप अधिवक्ता हैं तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं एलएलबी के, आप लीगल एस्पिरेंट हैं, आप जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, किसी भी जुडिशियल एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखिए, बेल क्या है, किसी को जेल के अंदर क्यों रखा जाता है। सबसे पहले क्या कि कोई इंडिविजुअल जेल में है तो आपने उसकी लाइफ एंड लिबर्टी को क्या कर दिया, इंक्रोच कर दिया। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि किसी की लिबर्टी को आप ऐसे नहीं छीन सकते, बट फॉर द सोशल इंटरेस्ट। देखिए, समझिएगा, बेल को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक तराजू लेना है, एक जो आपका वे करने के लिए होती है ना हमारी, उसमें आपको ये देखना है कि एक तरफ आपको रखना है सोशल इंटरेस्ट, यानी कि सोसाइटी का इंटरेस्ट, और एक तरफ रखना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप कहेंगे जी बहुत सारे ऑफेंस में तो हम नहीं छोड़ते हैं, तो जहां पे सोशल इंटरेस्ट ज्यादा है वहां बेल नहीं देंगे, नॉन अवेलेबल के केसेस में, और जहां इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसकी लिबर्टी को आप नहीं इंफ्रिंज कर सकते हैं। तो सीआरपीसी के अंदर एक चैप्टर आता है 33, अध्याय है 33, इसके अंदर प्रोविजन दिए गए फ्रॉम सेक्शन 436 टू 450 जो बेल के प्रोविजंस को देते हैं। क्या इसके अलावा भी सीआरपीसी में कहीं बेल दी गई है? बिल्कुल, डिफॉल्ट बेल के प्रोविजन को भी हम पढ़ेंगे, जिसको हम पढ़ते हैं 167। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको रेंज याद होनी चाहिए कि बेल के प्रोविजन चैप्टर 33 में दिए गए हैं। अच्छा, देखिए, बेल क्यों चाहिए, क्योंकि किसी को क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, कोई बंदा जेल के अंदर था। अब अरेस्ट किस चैप्टर में दिया गया है, चैप्टर में दिया गया फिफ्थ में, फिफ्थ चैप्टर ऑफ द सीआरपीसी। अभी आप देखेंगे तो सीआरपीसी में टोटल चैप्टर कितने हैं, 37 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 37 चैप्टर्स हैं। अब 37 के बाद 36, 35, 34 और फिर आ जाता है 33, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड अगेन फिफ्थ। यानी कि अगर हम आगे से चले तो फिफ्थ चैप्टर में अरेस्ट हो जाएगा, और रिवर्स चलेंगे तो फिफ्थ चैप्टर में आपकी बेल हो जाएगी। ये एक आपका याद रखने का तरीका हो सकता है, जिसे आप चीजें और बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड, इसको पढ़ने से पहले हम बेल एंड बॉन्ड के चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से दो पार्ट हो जाते हैं कि 436 से लेकर के और 439 तक, ये आपका एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, इस पार्ट को हम एक पार्ट कहेंगे, यहां से यहां तक, क्योंकि ये सिर्फ बेल के प्रोविजन की बात कह रहा है। उसके बाद किस तरह से बेल बॉन्ड आएगा, कैसे आपके बेल बॉन्ड का होगा, किस तरह से फोरफिट करेंगे, और 450 तक हम इसका ये सेकेंड पार्ट दो पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये सब चीजें जानने से पहले आपने बहुत बार सुना होगा कि भैया बेल हो गई, बेल हो गई, तो बेल में करते क्या है। बेल में एक आपके स्केड्यूल टू के अंदर, जो स्केड्यूल टू ऑफ सीआरपीसी है, वहां एक फॉर्म नंबर 45 है। अब यहाँ क्या भरा जाता है कि मान लीजिए मैं एक्यूज्ड हूं, आई एम के देश 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 देश। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन किसकी है, ये एक्यूज्ड की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो भैया इसके बाद यहाँ पैसों का श्योरिटी दी जा सकती है, श्योरिटी साथ में आपको इंडिविजुअल की भी देनी है, जो आपकी श्योरिटी दे रहा है उसकी इंफॉर्मेशन नीचे आती है, और इसी के साथ में एक एफिडेविट होता है, फॉर्म नंबर 45 इसको बोला जाता है। यहां से जमानत का फॉर्म होता है, जिसको मुचलका भी कहते हैं, निजी मुचलके पर भी छोड़ दिया जाता है, जिसे हम पर्सनल बॉन्ड कहते हैं। ये तो होगी बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब तब से हम चिल्लाए जा रहे हैं कि बेल 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 अंडर सीआरपीसी, तो कैसी कैसी बेल है। हम सबसे पहले आएंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या, आप टाइप्स बताओ जी, बेल में क्या कितनी तरह की बेल है। तो सबसे पहले हम कहते हैं रेगुलर बेल जी। अब रेगुलर बेल क्या है, रेगुलर बेल होती है आपकी जो बेलेबल ऑफेंस में या नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो बेल मिलती है, बेलेबल में एज अ राइट है और नॉन बेलेबल में एज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। तो पहली टाइप होगी जी रेगुलर बेल। दूसरी बेल क्या होगी, एंटीसिपेटरी बेल। अब एंटीसिपेटरी बेल कहां दी गई है, एंटीसिपेटरी बेल का बताया गया सेक्शन 438 के अंदर, यानी कि यू हैव एप्रीहेंशन दैट यू मे बी अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस, फॉर सम एक्यूजेशन यू मे बी अरेस्टेड इन फ्यूचर,
तो आपने क्या कहा कि जी आप पहुंच गए, आप तुरंत जैसे पुलिस वाला अरेस्ट करने आया तो उसको तुरंत निकाल के आपने बेल दिखा दी कि भैया देखो हम एंटीसिपेटरी बेल लेकर आ गए हैं। तो बोला कहां से लेकर आए, भाई कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट ही दे सकता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं दे सकती। अब एक तीसरी बेल आती है इंट्रीम बेल। अब ये इंट्रीम बेल क्या है, इंट्रीम बेल है जो किसी बीच में आपको बेल दे दी जाती है, या तो आपकी बेल की सुनवाई के दौरान, सो दैट यू कैन डिफेंड योर बेल इजीली, और समटाइम्स इट हैपेंस कि अपीलेट कोर्ट के पास जाने के लिए आपको टाइम चाहिए, जैसे कि 437A में प्रोविजन दिया गया है। और इसके अलावा भी क्या कोई बेल होती है, जी हाँ, अब चलेंगे हम इसके अलावा एक बेल है जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट बेल। अब ये डिफॉल्ट बेल में भी क्या है कि आपका बेल का राइट अराइज होता है अंडर सेक्शन 167। बोला जी 167 में कैसे हो सकता है, देखिए अब 173 आपका क्या कह रहा है, 173 ऑफ सीआरपीसी चैप्टर 13 दैट इज टॉक अबाउट चार्जशीट फाइलिंग। अब चार्जशीट फाइलिंग के लिए आपको एक 60 डेज का समय दिया गया है और एक आपको 90 डेज का। अगर 10 साल से कम का कोई अपराध है तो 60 दिन के अंदर आपको बेल मिलनी चाहिए, ज्यादा का है तो 90 दिन के अंदर, सॉरी बेल नहीं, आपको चार्जशीट फाइल होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। और 90 डेज कब है, भैया 10 साल से ज्यादा का कोई ऑफेंस किया है, मोर देन 10 इयर्स जिसके लिए पनिशमेंट हो सकती है, उसके लिए जो चार्जशीट फाइल का टाइम है वो 90 डेज है। लेकिन भैया आप भी जानते हो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में आईओ साहब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बर्डन है, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो जब किसी भी ऐसे अपराध के अंदर, मान लीजिए किसी ने थेफ्ट का केस किया, 3 साल की सजा, 60 डेज में उसकी चार्जशीट फाइल होनी चाहिए थी, अब नहीं हुई, तो क्या वो जेल में ही रहेगा, नहीं, उसका डिफॉल्ट बेल का राइट अराइज हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोर्ट उसको अपने आप छोड़ देगा, इस गलतफहमी में नहीं रहना, कोर्ट अपने आप नहीं छोड़ेगा, ये सिर्फ आपका राइट अराइज होगा और भी आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो इट विल बी ट्रीटेड एज बेलेबल। आप बेल बॉन्ड भरिए, मुचलके के ऊपर आप घर जाइए। तो टोटल कितनी तरह की बेल हमने कही, रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंट्रीम बेल और डिफॉल्ट बेल, 4 तरह की बेल होगी। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा हो गया। अब हम चलेंगे सीधे सीधे अपने चैप्टर 33 पे और समझेंगे बेल को। लेकिन जब से बेल कह रहे हैं, बेल या कैसे पता लगेगा कि कौन सा बेलेबल है, देखिए एक वर्ड आता है बेलेबल ऑफेंस। क्या कहीं पे बेल डिफाइन है सीआरपीसी में, क्या बेल वर्ड, मैं कह रहा हूं सिर्फ बेल, क्या ये बेल वर्ड डिफाइन है कहीं सीआरपीसी में, तो नहीं डिफाइन है भैया। सीआरपीसी ने बेल को डिफाइन नहीं किया, उसने बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया है। अब आप कहोगे कि ये नॉन बेलेबल और बेलेबल कहाँ डिफाइन है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के साथ यहाँ पे क्या इशू आ जाता है कि उनको ये पता है कि बेलेबल ऑफेंस जो है वो डिफाइन है, कहाँ डिफाइन है, 2A में डिफाइन है। क्वेश्चन आपसे प्री में भी पूछ लिया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइन है, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ए में तो बेलेबल ऑफेंस था, बी में यार चार्ज था, सी में कॉग्निजेबल था, डी में कंप्लेंट, कहाँ है यार ये, तो याद रखना नॉन बेलेबल भी वहीं पे डिफाइन है। अब ये क्या डिफाइन है, क्या कोई सजा का प्रावधान है, क्या क्या पैरामीटर्स है, तो बोले जी कोई पैरामीटर नहीं है, जो स्केड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी ने कह दिया वही फाइनल है। क्या फाइनल है, उसने बता दिया कि जी बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। बोला अच्छा जी मान लेते हैं बेलेबल ऑफेंस है, भैया बेलेबल ऑफेंस है तो इट विल बी ट्रीटेड अंडर सेक्शन 436 का मतलब क्या है कि आपको बेल दे दी जाएगी अगर कोई बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट होता है। एक चीज हमेशा याद रखिए कि हमेशा कस्टडी में आने के बाद बेल मिलती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जेल में लाकर ही बेल देंगे, लेकिन पुलिस वाला आपको अपनी कस्टडी में लेगा तब आपको बेल देगा। अब यहां पे बेल कौन कौन दे सकता है 436 में, क्यों, क्योंकि यहां पे पहली बात तो क्या आ गया आपका, योर राइट अराइज, राइट ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का अधिकार है बेल लेना, ठीक है। अब एक्यूज क्या कह रहा है कि आई एम रेडी टू गिव द बेल, मैं बेल देने को तैयार हूं, तो भैया आपको कोर्ट भी छोड़ सकता है अगर आप कोर्ट के सामने जाते हैं, और आपको जो पुलिस अधिकारी है, ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर है, वो भी आपको छोड़ सकता है, मना नहीं कर सकता, लेकिन आपको इसके लिए बेल देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा है कि क्या बॉन्ड की सिक्योरिटी के साथ देना पड़ेगा, नहीं भैया, अगर कोई इंडिजेंट पर्सन है, गरीब आदमी है, नहीं है पैसे, तब क्या करेंगे, तो भैया तब उसको छोड़ देंगे। अब बात यह आती है कि इंडिजेंट का पता कैसे लगेगा, बोला जी सीधी सी बात है, अगर कोई एक हफ्ते तक, कितने समय तक,
एक हफ्ते तक अपना श्योरिटी नहीं दे पाए तो ये सफिशियंट ग्राउंड होगा ये समझने के लिए कि भैया वो जो है क्या है आपका इंडिजेंट पर्सन है और उसको विदाउट श्योरिटी उसके पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ा जा सकता है, यही आपका 436 है। अब यहां पे एक चीज और हम डिस्कस करेंगे साथ साथ कि क्या मान लीजिए बेलेबल ऑफेंस पे मुझे बेल मिल गई, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, बेलेबल ऑफेंस पे बेल मिल गई और बाहर जाके मेरा बिहेवियर सही नहीं है तो क्या मुझे रीअरेस्ट कर सकते हैं? नहीं, तब नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे एक बड़ा अच्छा क्लॉज दिया गया है कि इन केस क्या हो जाता है, इन केस इसको थोड़ा सा चलिए, बेलेबल ऑफेंस में अगर मैं कभी सब्सिक्वेंट स्टेज पर सेम केस में, याद देना सब्सिक्वेंट ओकेजन पे सेम केस में कोर्ट के सामने अपीयर होता हूं और जो कंडीशंस मैंने बेल में दी थी जब मुझे बेलेबल ऑफेंस में बेल मिली मैंने उनको कंप्लाई नहीं किया तो भैया मेरे पास दोबारा से बेल नहीं मिलेगी और वो मुझे क्या कर सकता, दोबारा से अरेस्ट कर सकता है, ये बात आपकी सबसेक्शन 2 ने कही है। क्लियर, 436 में कोई डाउट? राइट ऑफ द एक्यूज्ड है, बेल कोर्ट भी दे सकता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस ठीक है और कोर्ट भी दे सकती है, इंडिजेंट पर्सन है तो विदाउट श्योरिटी भी दे सकते हैं, पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन अब आता है मेन बेल का झगड़ा। एक केस आया था हुसैन आरा खातून वर्सेस हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बिहार के जेलों का एक आईपीएस ऑफिसर ने इंस्पेक्शन किया था। हुसैन आरा केस की हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, अगर आप अच्छे से इस केस को जानना चाहते हैं, अच्छा केस आपको पढ़ना चाहिए तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा है और नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके पूरा केस स्टोरी समझ सकते हैं। अब हुसैन आरा केस के बाद क्या हुआ कि भैया मान लीजिए मिस्टर ए ने एक अपराध किया है थेफ्ट का, तो थेफ्ट की मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, 3 साल। अब भैया इसका ट्रायल चल नहीं पा रहा, इंडियन जुडिशरी बहुत हैवी बर्डन है और ये भाई साहब जो है बेचारे पिछले 10 साल से जेल में ही पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इतने गरीब है कि ये अपनी बेल नहीं दे सकते, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नहीं दे सकते बेल, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या क्या इनको इतने दिन रखना सही है, क्या ये न्याय हित में है, क्या ये जस्टिफाइड है, इट इज नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायोलेशन नहीं है, बिल्कुल है, फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं है, बिल्कुल है। तो इसीलिए 2005 में एक यहां पे इंसर्ट किया गया 436A। 436A सबसे पहला क्वेश्चन कब इंसर्ट किया गया, तो 2005 में इंसर्ट किया गया और यहां कह दिया गया अगर किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर उसकी कोई ऐसी सजा जो डेथ पेनल्टी है, मर्डर है, वहां पे डेथ भी मिल सकती थी लेकिन लाइफ इंप्रिजनमेंट में हो आप, ठीक है, तो उन केसेस को छोड़कर बाकी किसी भी केस में जब वो वन हाफ, कितनी, आधी सजा, वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इंप्रिजनमेंट, अब वो काट चुका है यानी कि 3 साल में से 1.5 ईयर वो वहां पे काट चुका था, तो उसके पास डिफॉल्ट बेल का राइट अराइज हो जाता है, भाई ट्रायल चलता रहेगा तुम्हारा लेकिन मुझे तो बेल दो तुम जब तक मुझे कन्विक्शन नहीं होता, लेकिन चलो भैया पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाएगा और ठीक है, तब भी उसको नहीं छोड़ा गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ना जनाब इसको छोड़ेंगे तो बाहर जाके तो बहुत गड़बड़ कर देगा, तो वन हाफ से ज्यादा भी उसको रख सकते हैं, ऐसा एक प्रोविजो डाल दिया गया, ठीक है। अजी ठीक है, लेकिन अब उसके बाद जब पूरे 3 साल हो जाएंगे तो क्या करेंगे भैया? देखो अगर कंप्लीट 3 ईयर्स हो गए यानी कि मैक्सिमम जितनी मिलनी चाहिए वो मिल चुकी है तो फिर नहीं रख सकते। यानी कि ओवरऑल जिस्ट ऑफ 436A क्या है कि या तो वन हाफ के बाद जो उसकी मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट है उसके बाद उसका डिफॉल्ट बेल का राइट अराइज होगा, उसने बेल मांगी बेल दे दो, या फिर जब उसने वो मैक्सिमम सजा पूरी कर ली तो भैया अब डिफॉल्ट बेल वाली बात नहीं है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, नो पर्सन शैल बी इन एनी केस बी डिटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल मोर देन मैक्सिमम पीरियड, उससे ज्यादा नहीं रखना है। हालांकि ये सब चीजें सच्चाई के परिभूति से बहुत परे दिखाई देती हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी लीगल एंगल से चीजों को समझते हुए चलना है। तो 436 और 436A आपका कवर हो गया। अब आते हैं नॉन बेलेबल में। नॉन बेलेबल में क्या होता है कि इट इज द टोटल, यहां पे आपका राइट नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि जी मुझे छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते,
क्योंकि यहां पे एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए जिससे कि कोर्ट को यह लगे कि आपको छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि भैया देखो जो है बेल इज जेल इज एन एक्सेप्शन बट बेल इज द रूल। क्या कहा उसने कि जेल इज एन एक्सेप्शन बट बेल इज अ रूल। भैया जेल एक्सेप्शन बेल रूल है, ये किस केस में कहा गया? मोतीलाल वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, ये केस ना नोट कर ले, मेंस में बड़े अच्छे से काम आते हैं। यानी कि अगर आप उसको बेल दे सकते हो तो बेल दी जानी चाहिए। अब यहां पे आता है कि क्या सिर्फ कोर्ट ही बेल दे सकता है नॉन बेलेबल में? नहीं, ओआईसी और पुलिस स्टेशन यानी कि एसएचओ थाने का जो एसएचओ है या फिर कोर्ट है, दोनों ही यहां पे बेल दे सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे बहुत सिंपल सी चीज समझिए आप कि 437 नॉन बेलेबल केसेस में कब बेल नहीं दी जानी चाहिए, उसके ग्राउंड की भी ये बात करता है। अब कब नहीं दी जानी चाहिए, भी कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो वहां से भाग जाएगा, ठीक है, अब वो बंदा पकड़ में नहीं आएगा तो तब हम क्या करेंगे, उसको बाहर जाके टेम्पर करेगा सोसाइटी के लिए, वो हैम्पर, जो मैंने आपको बताया कि देखिए समाज के हितों को प्रभावित किए बिना किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता देना ही जमानत कहलाता है। मैंने बहुत हिंदी में आपको बता दिया है कि विदाउट कॉम्प्रिंग द सोशल इंटरेस्ट टू गिव द इंडिविजुअल फ्रीडम इज द बेल। ठीक है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो 437 हो गया अवेलेबल का, लेकिन यहां कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान देना है। तीन तरह के ऐसे लोग हैं जिनको यहां पे बेल दी जा सकती है, इवन दे हैव डन सम सीरियस ऑफेंसेस। उनको जानेंगे, महिला को, 16 साल से कम आयु का कोई बच्चा है, कोई सिख है, इन्फर्म है, तीन तरह के लोगों को दी जा सकती है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्हेन एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अपीयर इज और बिफोर द कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। यानी कि ये ध्यान देना कि यहां पे ये हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की बात नहीं करता है, तो इनकी बात कौन करता है? 439 करता है, जहां स्पेशल पावर दी गई। यानी कि 437 सिर्फ आपका मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स की बात कह रहा है, ये भी ध्यान देने की बात है। अब सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज, उसको नहीं छोड़ा जा सकता अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड ऐसा लगता है कि वो कैसा ऑफेंस का गिल्टी है, डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला कोई भी अपराध उसने किया है। उस आदमी को तब भी नहीं छोड़ा जा सकता अगर उसने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसके लिए वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है और उसकी सजा क्या थी, डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 7 साल। यानी कि 7 साल से ऊपर की सजा के लिए एक बार कन्विक्ट हुआ है और 3 साल से ऊपर की सजा के लिए किसी में कॉग्निजेबल ऑफेंस में 2 बार कन्विक्ट हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का एंटीसीडेंट देखेंगे, भैया तुम तो पहले भी 2 बार अरेस्ट हो चुके हो, तुम्हें 4-4 साल की सजा हो चुकी है, नहीं बेल देंगे। तुम्हें पिछली बार 7 साल से ज्यादा की सजा हो चुकी है, नहीं देंगे, है कि नहीं? लेकिन इन कंडीशन के बावजूद भी किसी को बेल दी जा सकती है। किसको दी जा सकती है? वो एक्सेप्शन यहां पे याद रखना आपको कि कोई भी ऐसा बंदा जो 16 साल से कम का है, कोई वुमेन है, कोई सिख या इन्फॉर्म आदमी है, ठीक है, बीमार है बेचारा, बहुत ज्यादा महिला है, या फिर 16 साल से कम है। अब 16 इयर्स को तुरंत यहां पे लिख दो रीड विद, किसके साथ लिंक करोगे इसको? सेक्शन नंबर 27 सीजेएम के सामने लाया जाता है 16 साल से कम, जुवेनाइल जस्टिस की बात करता है सेक्शन 27 सीआरपीसी। ऐसे याद करते रहा करो तो ज्यादा फायदा मिलेगा चीजों को आपको, ठीक है। अब यहां पे आता है कि मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसने ऑफेंस किया है कैसा, जो डेथ, इंप्रिजनमेंट लाइफ या 7 साल से ऊपर, बी रिलीज्ड ऑन बेल और उसको बेल दे दी गई है, सब सेक्शन विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू हियर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। भैया अगर उसको आपको छोड़ना भी है ना, जिस व्यक्ति को हमने यहां मना किया ऊपर, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो आए। लेकिन यहीं पे दूसरा प्रोवाइजो है कि टीआई परेड के लिए, सिर्फ टीआई परेड के लिए आप किसी को नहीं रोक सकते कि जो हमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करानी है, ये सफिशियंट ग्राउंड नहीं होगा, ठीक है। और जहां पे किसी भी, देखो अब डाउट बहुत सारे को ये आता है कि यार कोर्ट ही तो देगा, जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना, इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर, किस ऑफिसर की बात कर रहा है ये? एसएचओ की बात कर रहा है ये, और कोर्ट
एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल एज द केस मे बी दैट दे आर नो रीजनेबल ग्राउंड। भैया हमें नहीं लगता कि वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, तो उसको क्या है रिलीज किया जा सकता है। लेकिन यह एक ध्यान देने की बात है, चीज को समझिएगा, मिस्टर ए ने एक अपराध किया बेलेबल ऑफेंस, स्टार्टिंग में लग रहा था कि बेलेबल ऑफेंस है, बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता लगा कि इसका जो अपराध है वो कुछ और है और वो इसका अपराध अभी बन गया नॉन बेलेबल, ठीक है। तो तब क्या होगा, बेलेबल में ये पहले बेल ले चुका, राइट ऑफ बेल के तहत, क्योंकि इसका अधिकार है 436 में। समझिए चीज को, मिस्टर ए ने कोई अपराध किया और उसको वो बेलेबल ऑफेंस था, उसने 436 में बेल ले ली। अब इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि इसका अपराध नॉन अवेलेबल है, इसका जो अपराध पहले था वो नहीं है, दूसरा अपराध बन रहा है और वो नॉन अवेलेबल है, तो अब क्या करेंगे, तो इसको तभी अरेस्ट किया जा सकता है, दैट अरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश अरेस्ट, ठीक है। रेगुलर क्लास में हमने इसके ऊपर 3 केस लॉ किए थे, ठीक है, तो सब आपको अच्छे से याद होंगे जो स्टूडेंट उसमें थे। चलिए ये आपको क्लियर हो गया, अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, चीजों को आप थोड़ा खुद भी पढ़िएगा। फिर 437 2008 में एक बात यहां पे डाली गई कि भैया अपील करनी है मुझे, अब अपील करने में मुझे टाइम चाहिए ना, ठीक है, तो ट्रायल कंक्लूड होने से पहले या डिस्पोजल ऑफ द अपील से पहले क्या होगा, कोई किसी को ट्राई कर रहे थे, अपीलेट कोर्ट में जाना है, तो भैया वहां जाने के लिए भी उसको बेल दी जा सकती है, और ऐसे बॉन्ड की जो टाइम लिमिट होगी कितना होगी, 6 मंथ होगी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक्यूज्ड फेल हो जाता है टू अपीयर तो उसका जो बॉन्ड है वो फोरफिट हो जाएगा, फोरफिट होगा कहां, 446 में, अंडरस्टूड। अब आते हैं 438, ये आपका क्या है, ये है एंटीसिपेटरी बेल। भैया बड़े लोगों का सबसे बड़ा हथियार है किससे किसे कैसे बचना है, एंटीसिपेटरी बेल क्या कि पुलिस अधिकारी है और आपने कहा कि मुझे तो बेल मिल गई है, लेकिन यहां थोड़ा सा एक क्लॉज भी है, भैया आपको लगा कि आप अरेस्ट हो सकते हो और आपने कहा कि जी मुझे बेल दे दो, हमारी मार पिटाई होगी जी, मैंने उसको काफी मारा था और मुझे पुलिस अरेस्ट कर सकती है तो मुझे बेल दे दी जाए, ठीक है जी बेल दे देंगे। तो बेल देने के लिए कौन दे सकता है, तो पहली बात तो दो कोर्ट, एक तो हाई कोर्ट, एक कोर्ट ऑफ सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन, एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। नेक्स्ट थिंग, ओनली इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, एंटीसिपेटरी बेल कभी बेलेबल ऑफेंस में नहीं होती, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लो। अब कंडीशन क्या क्या चेक करेगा, अब वो देखेगा कि क्या बंदा अपने आप को अवेलेबल करवा देगा, जी ठीक है करवा देगा, क्या ऐसा तो नहीं कि वो इंड्यूस करेगा भाई जाके बाहर विटनेस को तोड़ देगा, प्रॉमिस करेगा, कुछ थ्रेट करेगा, बोला ना जी ऐसा भी नहीं है, वो इंडिया से तो नहीं भाग जाएगा विजय माल्या की तरह, बोला ना जी ऐसा भी नहीं है, भाई क्या उसको मैं अरेस्ट करूंगा तो उसकी जो साख है, उसकी जो इज्जत है सोसाइटी में, उसकी रेपुटेशन है, क्या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सारी की सारी चीजें देखने के पश्चात ही कोर्ट उसको छोड़ता है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये तो ठीक है, लेकिन ये एंटीसिपेटरी बेल कभी कभी नुकसान वाली कैसे हो जाती है, ये समझिए। मिस्टर ए ने क्या किया कि अपनी बेल अप्लाई कर दी, बोला जी मुझे बेल दे दो एंटीसिपेटरी बेल, क्योंकि मैंने मिस्टर बी को क्या किया है, बहुत मारा, बेचारा पतला दुबला आदमी था। अब कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मिलेगी एंटीसिपेटरी बेल। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई थी, कहीं कुछ नहीं था, अब थाने के एसएचओ को एक पावर मिल जाती है कि भैया तुमने जो एप्लीकेशन में अपने ऊपर आरोप लगवाए थे कि मैंने मार पिटाई की और मुझे बेल दे दी जाए, एंटीसिपेटरी बेल, एप्रीहेंशन है मुझे अरेस्ट होने का, तो उन्हीं एक्यूजेशन के बेस पे ये एसएचओ साहब आपको हथकड़ी लगा सकते हैं, आपको अरेस्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और कमाल की चीज है, इसको पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं 439। देखिए 439 कुछ नहीं है, स्पेशल पावर है हाई कोर्ट की और कोर्ट ऑफ सेशन की। पावर्स की बात कहां आती है, देखिए सेक्शन 32 से 35 पावर का लेन देन विड्रॉल सब होता है, जाके उसको भी पढ़िएगा, रीड विद दिस, ठीक है, कहां पे है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अब आते हैं सीधा सा अमाउंट एंड रिडक्शन देयर ऑफ। अब अमाउंट कितना होना चाहिए भाई, सेक्शन 63 ऑफ आईपीसी में आपने कहा कि फाइन, कितना फाइन होना चाहिए, बोला जी अनलिमिटेड हो सकता है बट एक्सेसिव होना चाहिए, यहां भी वही है, इट शुड नॉट बी एक्सेसिव, इतना बस यहां पे याद रखिए, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने कह दिया कि 1 लाख रुपए जमा कराओ, भैया बंदा अपील लेके चला, तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकता है, देखिए कौन कर सकता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उस अमाउंट को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है,
चाहे वो पुलिस अधिकारी की हो या मैजिस्ट्रेट की हो। ठीक है, अब बॉन्ड ऑफ द एक्यूज्ड ऑफ श्योरिटीज, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द श्योरिटीज, डिक्लेरेशन ऑफ श्योरिटी भी आपका 2005 में इंसर्ट किया गया था। ठीक है, इनको पढ़ लिया, हम बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी 43 पावर टू ऑर्डर सफिशियंट बेल व्हेन फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट, यानी पहली बेल बॉन्ड जो आपने दी 20,000, भैया 20,000 सफिशिएंट नहीं है, 10,000 और दो तो आप ले सकते हो। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज कब होगा, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है 441 डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकग्निजेंस, डिपॉजिट की बात होती है। अब प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड, अब फॉरफिटेड कब होगा, कि आपने तो कहा था कि आपका बंदा आएगा, वो आया नहीं, तो जो आपने अमाउंट वह दिया है उसको कोर्ट क्या कर लेगा, फॉरफिट कर लेगा। अब ये कैसे होगा, देखिए यहां पे मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास दैट बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड, तो यहां पे ना ऐसे कोई पर्टिकुलर आपको वो दे रखी है डेजिग्नेशंस की, जेएमएफसी कर सकता है, जेएमएससी, उनको आपको ध्यान देना है। 446 है कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड कब होता है, बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड का 447, 448 ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया माइनर के लिए जो है वो कैसा चाहिए आपको बॉन्ड जो माइनर है, तो जो कोर्ट तभी अपीयर करेगा जब वहां पे श्योरिटी होगी, विदाउट श्योरिटी नहीं हो सकता है। क्या ये अपीलेबल है 446 का ऑर्डर, बिल्कुल अपीलेबल है। ठीक है भाई, कहां होगा, जहां नॉर्मल अपील होती है मैजिस्ट्रेट का, तो सेशन है तो हाई कोर्ट। और 450 में है पावर टू डायरेक्ट द लेवी अमाउंट द फाइन, या अगर वह अमाउंट कैसे फाइन को रिकवर किया जाएगा, ये आपको यहाँ 450 में बताया गया है। अब कैसे होता है, उसके लिए लेवी वारंट का एक वारंट इशू होता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट बेल का कॉन्सेप्ट था, और इसके बाद जो आपका डिफॉल्ट बेल है वो हम फिर 167 के साथ पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, वो उसमें आपको इतना याद रखना है कि 60 डेज और 90 डेज में आपके राइट्स अराइज होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट बेल का कॉन्सेप्ट, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मैं जो आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है। और अब से हम फिर से रेगुलर अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे, बीच के गैप के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ कि बीच में जो गैप हो गया, अब से फिर से कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी आपके, जिन भी टॉपिक्स पे आप चाहते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर आपको रेगुलर चीजें बताई जाएंगी। और बहुत जल्दी हम एक यूपी के मेंस के लिए भी एक सेशन करेंगे कि हाउ टू राइट द आंसर इन द यूपी मेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।